हिमाचल प्रदेश में वोटिंग आज, 68 विधानसभा क्षेत्रों के 50 लाख वोटर आज चुनेंगे अगली सरकार, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है स्मॉग, 48 घंटे में प्रदूषण में नहीं आई कमी तो फिर लागू हो सकता है ऑड इवन, आज होगा फैसला। एम्स के निदेशक की चेतावनी, कहा दिल्ली का प्रदूषण जानलेवा, सुबह और शाम घर से ना निकलने की सलाह। लोकसभा और राज्यसभा के जवाबों के मुताबिक पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते ज्यादा काला धन पकड़ा गया, नोटबंदी के बावजूद 2014 से 2017 के बीच कम पकड़ा गया काला धन। नोटबंदी के एक साल के बाद भी अब तक नहीं उभर पाया गाड़ियों का बाजार, 2016 की तुलना में 2017 में गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। सूरत में व्यापारियों से मिले राहुल गांधी, कहा नोटबंदी एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, पहले 4 महीने में 15 लाख बेरोजगार हुए, जीएसटी पर भी मोदी सरकार ने हमारी सुनी नहीं। प्रद्युम्न हत्या मामले में गिरफ्तार छात्र को गुरुग्राम कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा, गिरफ्तार छात्र ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग टालने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की थी, कटघरे में गुड़गांव पुलिस। भारत के स्टार मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता।